गाड़ियां खड़ी हैं। हार्बर लाइन जो है 10:55 को वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है सप्लाई वो हमने रिस्टोर कर दिया है। इसमें CSMT पनवेल सेक्शन जो है वहाँ पे ट्रेनें हम धीरे धीरे रिज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन लाइन सेक्शन है CSMT से कल्याण सेक्शन जो है कर्जत कसारा वहाँ पे ट्रेनें अभी भी खड़ी है। वहाँ पे रिस्टोरेशन का काम जो है अभी शुरू है। जो ग्रिड एक्सपर्टीज़ है उनके साथ हमारे लोग कॉन्स्टेंटली टच में है। जो सेक्शन में गाड़ी खड़ी है वहाँ पे लोगों से ये अपील कर रहे हैं हमारा जो क्रू है सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं कि ट्रैक पर न उतरे और पैनिक न हो। जो स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है वहाँ पे भी जो है हमारा स्टेशन स्टाफ है उनको अपील कर रहा है कि पैनिक होने जैसी सिचुएशन नहीं है, ग्रिड फेल्योर है, इसलिए जल्दी से जल्दी जो है मेन लाइन रिस्टोर करने के लिए हमारे प्रयास शुरू हैं। लंबी दूरी की गाड़ियों के लिए जो यहाँ से गाड़ियाँ जाने वाली है उनको हमने रीशेड्यूल किया है और उसके लिए जो है कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट कर रहे हैं और पैसेंजर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और जो आने वाली गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को जो है सर्टन जो हमारे इंटरचेंज पॉइंट है वहां पे रेगुलेट किया है। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक्सपर्ट जो है ग्रिड के उनसे लगातार संपर्क में है आपके डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स, तो ये अप्रोक्सीमेट टाइम बताया गया है कि कब तक रजिस्ट्रेशन हो पाएगा या किस तरह से कोशिशें उनकी चल रही हैं या कितना समय या कितना और वक्त लगने वाला है अलग अलग फेज वाइज रजिस्ट्रेशन के लिए? देखिए, इसमें अगर कोई OHE फेलियर रहता या फिर EMU का फेलियर रहता तो उसमें हमारे जो एक्सपर्टीज़ है या हम लोग उस पर कमेंट करते, लेकिन जो ग्रिड के एक्सपर्टीज़ है उनके साथ जैसे मैंने बताया कि हमारे लोग कॉन्स्टेंटली टच में है और जैसा बताया कि हार्बर लाइन 10:55 को रिस्टोर हुई है वैसे मेन लाइन जो है रिस्टोर करने के लिए हमारे लोग लगे रहे हैं।